ओके okay. तो बच्चों आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं हाइड्राइड्स को लेके। ठीक है, तो हाइड्राइड्स जो नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कि यहां से आपको फर्स्ट जो मिलेगा हाइड्राइड दिस इज NH3। नेक्स्ट वन इज PH3। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं तो आपका ASH3। नेक्स्ट इज SPH3। ठीक है, कल इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हम लोगों ने किया हुआ था। ठीक है, फर्स्ट आपका यहाँ पे अमोनिया है, रिवाइज कर लो बच्चों। सेकंड आपका फॉस्फीन है, फॉस्फीन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आर्सीन है। नेक्स्ट आपका स्टिवाइन है। लास्ट आपका बिस मिथाइल। ठीक है, तो आज हम लोग ड्रैगोज रूल्स भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ड्रैगोज रूल्स भी बच्चों आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बॉन्ड एंगल किस तरीके से चेंज होता है। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, उस पर डिस्कशन करने वाला हूँ आज मैं। तो पहले तो बच्चों बात करते हैं कि जैसे इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो मैंने कल आपको बताया था बच्चों कि अगर हम बाइनरी मेटेलिक कंपाउंड अगर बच्चों इनका अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूं, अगर इनका बेटा हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हाइड्रोलिसिस कराने पे आपको रिस्पेक्टिव गैस आपको देखने को मिलेगी। जैसा कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जब सेशन करने जा रहे थे तो फिनिश करने जा रहे थे, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जिसमें आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे। जैसे बच्चों आपको बताया था मैग्नीशियम का नाइट्राइड, ठीक है, N2। जैसे मैंने बताया था कैल्शियम का सेकेंड मॉलिक्यूल Ca3P2, कैल्शियम का फॉस्फाइड। ठीक है, और भी मैंने आपको डिस्कस किए थे, जिंक का डिस्कस किया था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर बेटा मैं इनका हाइड्रोलिसिस कराता हूँ, इनके साथ अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल डाल रहा होता हूँ, तो बच्चों यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान देना है, स्टेटमेंट में लिखा हो सकता है बाइनरी मेटलिक कंपाउंड का अगर बच्चों हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये आपके यहाँ पे देखो बाइनरी मेटलिक कंपाउंड है। तो यहां से बच्चों आपको अमोनिया गैस और PH3 गैस आपको यहां से देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे बच्चों यहाँ पे आपका अगर बच्चों मैं ऐसे बोलूं मैं रिडक्शन करा दूं सपोज, और किसका रिडक्शन करा दूं मैं, अगर मैं यहाँ पे ट्राइक्लोराइड्स, अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स के ट्राइक्लोराइड अगर इनकी बच्चों इसको एक बार छोड़ देना है, नाइट्रोजन फैमिली के सारे एलिमेंट किसको छोड़ के, तो बच्चों मैं लिखूंगा एक्सेप्ट बिस्मत, बिस्मत को छोड़ के बाकी आपके नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग नाइट्रोजन, सिर्फ बेटा बिस्मत को ध्यान रखना है, बिस्मत आपका काम नहीं करेगा। तो नाइट्रोजन फैमिली के सारे ट्राई हैलाइड्स अगर उनका बच्चों में कराता हूँ रिडक्शन, ध्यान दो उनका मैं कराता हूँ रिडक्शन। बेटा रिडक्शन का मतलब क्या है, यहां से मैं बेटा हाइड्रोजन को जोड़ने वाला हूँ और यहां से मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को बाहर निकालने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि बेटा MCl3, अगर MCl3 ये आपका यहाँ पे एम क्या क्या हो सकता है, एम आपका नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, और आपका एंटीमनी हो सकता है। बिस्मत यहाँ पे नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना, बिस्मत का जो ट्राइक्लोराइड है उसका रिडक्शन कराने से कोई फायदा नहीं है, कोई आपको यहाँ पे हाइड्राइड नहीं मिलेगा। तो बेटा रिडक्शन की बात करते हैं, तो रिडक्शन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं जिंक के साथ एसिड, एक तो ये ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होगा कि अगर बच्चों में यूज कर दूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहां से बच्चों रिलीज होता है H-, सभी को पता है। ठीक है, आपका हाइड्राइड आयन H- रिलीज होगा। तो बच्चों MCl3 बच्चों यहाँ पे इसके हम 4 मोल्स लेते हैं, और इस रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये बच्चों यहाँ से कन्वर्ट होगा आपका। तो पहला बच्चों बताओ यहाँ से क्या बनेगा, एक तो आंसर बन जाएगा यहाँ से आपका MH3, ये तो बन गया आपका हाइड्राइड सीधा। यहाँ पे एम आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी आपको मिल सकता है। दूसरा बच्चों अगर मैं यहाँ पे लिथियम एल्यूम हाइड्राइड अगर मैंने यूज किया प्रीडोमिनेंटली, तो बच्चों लिथियम इज अ मेटल कंबाइंड विद नॉन मेटल इज द क्लोरीन, तो यहाँ से चिकन आंसर बनेगा LiCl। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है,
नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम इज ऑल्सो अ मेटल, इट ऑल्सो रिएक्ट विद एल्यूमिनियम, तो यहाँ से आपको थर्ड आंसर मिलेगा AlCl3। क्या सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है? तो बेटा आपके नाइट्रोजन फैमिली के ट्राइक्लोराइड्स को अगर बेटा मैं रिड्यूसिंग एजेंट यूज करता हूँ, लाइक इंपॉर्टेंट इज दिस कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसमें क्वेश्चंस आए भी हैं, अगर बच्चों में यूज करूंगा तो यहाँ से भी मेटल हाइड्राइड्स मिलेंगे, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि बिस्मत नहीं होना चाहिए। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक सभी बच्चों को बात क्लियर हो रही है? बताओ सभी क्लियर है? ओके अब देखो यहाँ पे ये जितने भी बेटा यहाँ पे आपके हाइड्राइड्स हैं, ध्यान देना, जितने भी आपके यहाँ पे हाइड्राइड्स हैं नाइट्रोजन फैमिली के सारे हाइड्राइड बेटा होते हैं कलरलेस, ठीक है, कलरलेस गैस, ऑल हाइड्राइड्स आर कलरलेस गैस। पहली बात समझ लो, सारे के सारे हाइड्राइड बच्चों कैसे होंगे? कलरलेस गैस होंगे, लेकिन इनकी जो स्मेल है वो थोड़ी सी बच्चों आपकी डिफरेंट होती है। तो देख बात ध्यान रखनी है कि अगर मैं टॉप टू बॉटम अगर मैं ट्रेवल करूंगा तो टॉप टू बॉटम इन केस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूं तो बच्चों टॉप टू बॉटम आने पे एटॉमिक नंबर की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो हम बात कर रहे हैं हाइड्राइड्स की स्मेल की तरफ, तो बच्चों यहाँ पे टॉप टू बॉटम आने पे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो उस केस में इनकी जो स्मेल होती है बच्चों वो भी आपकी क्या होती है, हम बोल सकते हैं कि स्मेल जो है ना वो बढ़ती जाएगी। वो जो स्मेल मतलब जैसे आप बोल सकते हो कि जैसे अमोनिया है, जैसे फॉस्फीन है, ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने पे टॉप टू बॉटम आने पे हाइड्राइड वाले केस के अंदर सारे कलरलेस गैस होते हैं। पहली चीज ये सारे के सारे गैस होते हैं, लेकिन टॉप टू बॉटम आने पे इनकी जो इंटेंसिटी होगी, इनकी जो स्मेल की इंटेंसिटी होगी वो बच्चों बढ़ती जाएगी। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? इंटेंसिटी बच्चों एटॉमिक नंबर के बेस पे आपकी इंक्रीज होती जाती है। सभी क्लियर है? नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट मैं बात करूं हाइड्राइड में, तो सारे के सारे बच्चों हाइड्राइड्स के पॉइजनस होते हैं। कैसे होते हैं? पॉइजनस। सारे के सारे हाइड्राइड बच्चों कलरलेस गैस होते हैं, पॉइजनस होते हैं। टॉप टू बॉटम आने पे इनकी जो स्मेल है उसकी जो ओडोर जो है उसकी जो इंटेंसिटी है वो बच्चों बढ़ती जाती है। सभी को बात समझ में आ रही है? यहाँ तक प्रॉपर्टीज के ऊपर बच्चों बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन भी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट बच्चों मैं बात करता हूँ, ध्यान देना, पॉइजनस नेचर। तो पॉइजनस नेचर भी बच्चों इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम। अगर आप अमोनिया से बेटा मूव कर रहे हो, अगर आप अमोनिया से मूव करना चाह रहे हो बिस्मत की तरफ, BiH3 की तरफ, तो जिस तरीके से बच्चों आपकी जो स्मेल जो ऑडियोर की इंटेंसिटी बढ़ रही थी उसी तरीके से पॉइजनस नेचर है वो भी आपका बढ़ता है टॉप टू बॉटम आने पे। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट, अमोनिया जो बच्चों है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी सॉल्युबिलिटी को शो करता है। मतलब मैं आपको बोल सकता हूँ यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से, ये जो अमोनिया है ये जो बच्चों वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, अगर मैं आपको 100 ml अगर मैं आपको वाटर मॉलिक्यूल दूं तो उसके अंदर बच्चों समथिंग आपका मैं बता सकता हूँ यहाँ पे कि 30% या 33 या 35% के अराउंड, या मैं बोल लूँ कि 30 ग्राम करके बोल सकता हूँ मैं। तो बच्चों बात समझो कि ये 30% डिजोल्व आपका अमोनिया 100 ml वाटर में इजिली कर जाता है, सबसे तगड़ी इसकी सॉल्युबिलिटी है। तो अमोनिया अगर मैं हाइड्रोलिसिस की बात करूं, वाटर मॉलिक्यूल या एडिशन की बात करूं, तो सबसे अच्छा बेटा सॉल्युबिलिसिस कौन करेगा? तो मेरा आंसर होना चाहिए अमोनिया। अमोनिया बहुत ही आराम से सॉल्युबिलिसिस डिफाइन करता है। सभी को बात समझ में आ रही है? सभी क्लियर है? तो अमोनिया की सॉल्युबिलिटी सबसे अधिक होती है, और अमोनिया के बाद बच्चों आपका फॉस्फोरस के आपके हाइड्राइड होंगे और नीचे बिस्मत तक हाइड्राइड होंगे, तो उन सबकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? लेस। तो सबसे अधिक बेटा सॉल्युबिलिटी किसकी होती है? आपकी अमोनिया का। इसमें रीजन भी दे सकते हो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द रीजन, बिकॉज नाइट्रोजन के पास बच्चों ऑलरेडी प्रेजेंट है 3 हाइड्रोजन एक लोन पेयर। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कि बेटा इस पे चार्ज आएगा डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा माइनस, बिकॉज डिफरेंस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो उस केस में बेटा जो वाटर मॉलिक्यूल आएगा उस वाटर मॉलिक्यूल में यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, यहाँ पे आपका डेल्टा माइनस। तो बेटा यहाँ पे ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ना इन दोनों के बीच में, दिस इज एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा डेवलप होने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी एक्स्ट्रा इंक्रीज कर जाती है और बहुत ही अच्छी सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक जल्दी से बताओ। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिक स्ट्रेंथ। रीजन सभी को ध्यान रखना है, रीजन याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रीजन के बेस पर ही नीट में क्वेश्चन आते हैं। रीजन आपको नहीं पता है तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, रीजन पता होना बहुत जरूरी। तो बेटा बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है?
कोई भी कंपाउंड अच्छा बेस क्यों है, जैसे एक कंपाउंड है एक कंपाउंड बी है, तो दोनों में अच्छा बेस कौन सा होगा। मैं मान लूं कि बेटा ए आपका अच्छा बेस है, तो अच्छे बेस का मतलब क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर जितनी ज्यादा होगी, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर जितनी ज्यादा होगी, तो बेटा वो कंपाउंड बहुत ही तगड़ा आपका स्ट्रॉन्ग बेस बोला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अवेलेबिलिटी का मतलब बच्चों डीलोकलाइजेशन नहीं होना चाहिए, लोन पेयर फिक्स होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है, लोन पेयर आपका फिक्स होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज आपका फिक्स होना चाहिए, तो उस केस में वो कंपाउंड हमेशा बच्चों क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। मेरी बात सबको समझ में आ रही है, सभी बच्चों क्लियर है। मतलब लोकलाइज्ड, मतलब बेटा लोकलाइज्ड, अगर लोकलाइज्ड लोन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो डेफिनेटली वो आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक स्ट्रेंथ। तो बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ आपके जो हाइड्राइड्स हैं आपके नाइट्रोजन फैमिली के, तो पहला बच्चों हाइड्राइड आता है आपका अमोनिया, और इस तरीके से बेटा मूव करते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा बिस्मथ का हाइड्राइड। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों टॉप टू बॉटम आने पे इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, बताओ बच्चों व्हाट इज द आंसर। बेसिक स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, तो बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों यहाँ पे होती है डिक्रीज। बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे डिक्रीज होती है, बिल्कुल सही, बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे डिक्रीज करेगी। और क्यों बच्चों डिक्रीज करेगी, उसका रीजन समझो। नाइट्रोजन बच्चों देखो, नाइट्रोजन बेटा कहां से बिलोंग करता है, सेकेंड पीरियड से। उसके बाद बच्चों नीचे देखो यहाँ पे, तो नीचे इसके बाद बच्चों आपका आपको कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे, फॉस्फोरस का हाइड्राइड मिलेगा। नेक्स्ट बेटा आपको कौन सा मिलेगा, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो बच्चों इनके जो हाइड्राइड्स होंगे, तो पता है कि फॉस्फोरस बिलोंग फ्रॉम थर्ड पीरियड, ये बिलोंग करेगा फोर्थ पीरियड से, ये करेगा बेटा फिफ्थ पीरियड से, नेक्स्ट एक सिक्स्थ पीरियड, क्लियर है। तो टॉप टू बॉटम आने पे यहाँ पे अलग अलग पीरियड से बिलोंग कर रहे एलिमेंट, तो आपको पता है साइज विल इंक्रीज, साइज बच्चों इंक्रीज करता है। और ऑब्वियसली यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स का इंट्रोडक्शन बेटा शुरू है, डी ऑर्बिटल का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। कहां से, कहां से बच्चों, पी से, फॉस्फोरस से। फॉस्फोरस से आपको 3D0 मिलता है, तो 3D0 मिलने की वजह से जो बेटा यहाँ पे अमोनिया वाले केस में जो नाइट्रोजन के पास आपका लोन पेयर है, मैं ड्रैगोज रूल से भी आंसर दूंगा, पहले सिंपल तरीके समझो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट क्या कहता है। एनसीईआरटी बच्चों के बोलती है कि डिस्पर्जन ऑफ लोन पेयर्स, डिस्पर्जन ऑफ लोन पेयर्स मतलब बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन की बात करोगे तो क्या होगा, NH2 NP3, सभी को मेरी बात समझ में आ रही है। तो बच्चों जो NH2 वाला है, इट विल वर्क एज ए लोन पेयर, इट विल वर्क एज ए लोन पेयर। और बेटा NP3 में बात करते हैं, P में आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3, 3 का मतलब बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर, तो 3 सिग्मा बॉन्ड आपको बनेंगे, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो जो बेटा आपका लोन पेयर दिखाई देता है ना, वो आपके NH सबसेल से आपको देखने को मिलता है। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है बच्चों, सभी बताओ। तो नाइट्रोजन वाले केस में लोन पेयर पूरी तरीके से प्योरिटी के साथ रिप्रेजेंट होगा, या कहीं भी डिस्पर्ज नहीं होगा, कहीं फैलेगा नहीं कहीं, क्योंकि इसके पास बेटा डी ऑर्बिटल्स वैकेंट ही नहीं है, डी ऑर्बिटल्स होता ही नहीं है। मेरी बात सबको समझ में, 2D थोड़ी नहीं होता है, 2D कहीं होता है क्या, नहीं। लेकिन फॉस्फोरस पर जैसे आएगा तो बच्चों 3D मिलना स्टार्ट होगा। तो उस केस में फॉस्फोरस अपने लोन पेयर्स को, फॉस्फोरस अपने लोन पेयर्स को बच्चों डिस्पर्ज करेगा, बिकॉज टू गेन दी स्टेबिलिटी। जब डिस्पर्ज करेगा तो उस केस में अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर्स विल डिक्रीज। तो जो चांसेस हैं, जो जो परसेंटेज है, जो जो प्रोबेबिलिटीज है लोन पेयर्स की मिलने की इन केस ऑफ फॉस्फीन, वो बच्चों डिक्रीज कर जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच्चों इंट्रोड्यूस हो चुका है 3D0, जिसकी वजह से लोन पेयर मुझे बताओ सिंपल सा, एक बड़ा कमरा है आपके घर में और छोटे कमरे हैं, तो बड़े कमरे में अगर बड़े कमरे में किसी भी चीज को मैं छोड़ देता हूँ तो ऑब्वियसली उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, और छोटे कमरे में आपको पता है कोई भी चीज रखोगे तो उसको ढूंढना बहुत आसान है। कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से बच्चों फॉस्फोरस के पास बड़े बड़े कमरे हैं, 3D आ चुका है, बहुत बड़ा कमरा है, उस कमरे के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बेटा लोन पेयर्स जा रहे हैं, तो आराम से घूमते रहेंगे इधर उधर, जब घूमते रहेंगे तो उन्हें खोजना बहुत मुश्किल है। तो बेटा मैं बेसिक स्ट्रेंथ में ये बोल सकता हूँ कि अगर मैंने बच्चों अमोनिया के सामने और इस फॉस्फिन के सामने मैं H+ ion को लेके आया, तो मुझे बताओ सबसे अच्छा प्रोटोनेशन कहाँ पे होगा। प्रोटोनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ H+ ion। सबसे आसानी से H+ ion कहाँ पे अटैक करेगा, फिर सबसे तगड़ा रेट, सबसे स्ट्रॉन्ग रेट या फास्ट रेट केमिकल काइनेटिकली बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं, तो बताओ H+ का अटैक सबसे फास्ट कहाँ पे होगा, बताओ बच्चों, जहां पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी आपकी ज्यादा होगी। तो मतलब अमोनिया के पास लोन अवेलेबल आपका जबरदस्त होगा, बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। तो ये रेट फास्ट होगा, ये वाला रेट बच्चों बहुत स्लो होगा। तो जहां पे प्रोटोनेशन फास्ट होगा, तो दैट विल डिफाइन कि मैं स्ट्रॉन्ग बेस हूं, दैट विल डिफाइन कि मैं स्ट्रॉन्ग बेस हूं। तो स्ट्रॉन्ग बेस बच्चों कौन सा हो गया, अमोनिया हो गया। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई। और बच्चों PH3 पे आओगे, उसी H3 पारसीन पे आओगे,
SbS3 पे आओगे, बिस्मुथाइन पे आओगे, तो टॉप टू बॉटम आने पे साइज बढ़ता जा रहा है, कमरे बढ़ते जा रहे हैं और घर में कमरे बढ़ते जाएंगे। एक मंजिल की बिल्डिंग है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी फ्लोर, भाई एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो ना, खोजना मुश्किल हो जाएगा। ये बेटा ये देखो 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, ये 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, भाई सब खोजना मुश्किल हो जाएगा। तो H+ ion को लोन क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं, तो बेसिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। बताओ सभी लोग, क्या सभी को इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात सभी बच्चों क्लियर है? बताओ बच्चों, सभी लोग जल्दी से बताओ, सभी लोग किसी कोई डाउट है तो आप बीच में पूछ सकते हो, बिल्कुल किसी भी बच्चे को डाउट है प्लीज पूछ लो। ओके, अब देखो हम लोग बात करते हैं, ध्यान दो बच्चों, अगर मैंने यहां पे अमोनिया के सामने अगर मैं H+ ion किसी एसिड से लेके आया और बच्चों यहां पे मैंने PH3 के सामने अगर मैं H+ ion लेके आया तो मुझे बताओ यहां पे बेटा जो बनेगा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एक तो PH4+ बन जाएगा और यहां पे बनेगा आपका NH4+ बनेगा ना। क्वेश्चन इज दिस, स्टेबिलिटी के ऑर्डर पे हम लोग बात कर रहे हैं बेटा। H+ ion है ना, तो लोन पेयर यहां से लोन पेयर का सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा यहां पे बेटा। H+ का मतलब है बने जीरो, और बने जीरो का मतलब पूरी तरीके से एस सबसेल एस ऑर्बिटल खाली है। जब खाली है तो बेटा ये बने जीरो वाला बने टू में जाना चाहेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, टू कंप्लीटली डुप्लेट। उसके इसमें लोन पेयर के दोनों ही इलेक्ट्रॉन बच्चों मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों इस NH4 जो आपको दिख रहा अमोनियम आयन, इसके पास तीन तो बच्चों पहले से हाइड्रोजन थे, एक जो आया हाइड्रोजन, एक जो आपका यहाँ पे आया हाइड्रोजन, उसके साथ बच्चों सीन क्या हुआ, उसके साथ कुछ यूं हुआ कि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर को बच्चों एक साथ मूव करा दिया उस बने जीरो के अंदर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जो इलेक्ट्रॉन का डोनर है और तो बेटा वो H+ एक्सेप्टर है, तो यहाँ पे +1 चार्ज आ जाएगा। क्या आपको सभी को मेरी दिस +1 बेटा, ये +1 कहाँ पे? नाइट्रोजन के ऊपर है। सेम बच्चों बात करते हैं PH3 में, तो सेम कॉन्सेप्ट बच्चों PH3 के लिए भी वर्क करता है। क्या सभी को इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? बताते चलो जल्दी जल्दी, क्या सभी को इतनी बात समझ में आ रही है? सभी बच्चों क्लियर है? किसी कोई डाउट हो तो बीच में बेटा पूछ सकते हो। बताओ, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, बताना जरा NH4+ और PH4+ इन दोनों में से स्टेबल कौन है? इन दोनों में से स्टेबल कौन है? NH4+ और PH4+ इन दोनों में से स्टेबल कौन है बताओ मुझे? NH4+ PH4+ क्यों नहीं है स्टेबल? डेफिनेटली नाइट्रोजन, वह छोटा साइज का है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। हाँ, चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, बिल्कुल चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो NH4+ है वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखेगा, तो NH4+ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू PH4+। ये सभी को बात समझ में आ रही है यहां तक? ठीक है। अगर बच्चों PH4 अगर वाटर मॉलिक्यूल्स में अगर डिजोल्व हो भी गया ना, तो क्या आंसर बनाएगा? बेस बना लेगा सीधा। और कौन सा बेस बनाएगा? जैसे बच्चों NH4OH बनता है ना अमोनिया वाले केस में, तो यहां पे बनेगा PH4OH, बट दिस PH4OH इज वीक बेस, दिस इज वीक बेस। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपका वीक बेस होगा, और नीचे वाले तो और ही वीक हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। नाउ कम्स नेक्स्ट पॉइंट, आपका आएगा थर्मल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज थर्मल स्टेबिलिटी। तो बेटा थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो मुझे बताओ बेटा NH3 से लेके अगर बच्चों मैं ट्रेवल कर रहा हूं बिस्मत के हाइड्राइड की तरफ, तो नाउ क्वेश्चन इज दिस, थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम चलने पे हाइड्राइड वाले केस में थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है घटती है, क्या होता है? तो बताओ बच्चों आंसर, थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। और क्यों डिक्रीज करेगी? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब हीट सप्लाई करने पे मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड टूट जाए, मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड टूट जाए। जैसे आपका इस वाले केस की बात कर लो, तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर है, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाए आराम से। कहाँ टूटेगा? जहां पे आराम से टूट जाएगा ना, तो वहां पे थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, मतलब मॉलिक्यूल्स इन दी प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर बहुत ही वीक होगा, ओवरलैपिंग नॉट परफेक्ट। ओम ने आंसर किया, बाकी बच्चे भी आंसर करें, बताओ बच्चों, बाकी लोग भी आंसर करो।
बेटा अमोनिया के लिए ना टेम्परेचर चाहिए होता बहुत ज्यादा, लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस, बहुत हाई टेम्परेचर। और नीचे बेटा बिस्मत, ये रूम टेम्परेचर पे ही टूट जाता है, रूम टेम्परेचर पे डिसोसिएट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग बताया, किसी और भी बताओ बेटा, और भी आंसर बताओ, बिकॉज साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप। बिल्कुल, साइज इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, ओवरलैपिंग वीक होगी, ओवरलैपिंग वीक होगी तो बच्चों यहाँ पे जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसकी स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज करेगी, कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी बिकॉज ओवरलैपिंग विल पुअर, बिकॉज आपका यहाँ पे साइज ऑफ नाइट्रोजन, उसके बाद फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मत, साइज विल इंक्रीज, तो हाइड्रोजन का साइज तो छोटा है, ओवरलैपिंग वीक तो कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, और कोवेलेंट बॉन्ड की अगर स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी तो उस केस में BiSt बेटा सबसे आपका थर्मली स्टेबल नहीं होगा, वो अनस्टेबल होगा, तो रूम टेम्परेचर पे ही बेटा वो क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग की वजह से, समझ में आ गया सभी को। तो इसी थर्मल स्टेबिलिटी का बेटा एक रीजन बन जाता है, एक आपका एप्लीकेशन बनता है बेटा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट नेचर। तो बताओ मुझे टॉप टू बॉटम माइंड रिड्यूसिंग एजेंट नेचर बेटा इंक्रीज और डिक्रीज, तो ध्यान रखना थर्मल स्टेबिलिटी जिसकी कम, थर्मल स्टेबिलिटी किसकी कम बच्चों, आराम से ब्रेक कौन हो रहा है, BiS3। तो जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम उसका रिड्यूसिंग एजेंट पावर ज्यादा होता है, रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होता है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, बताओ जल्दी से बताओ बच्चों, जहां पे थर्मल स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन इंक्रीज अरे सिंपल सा सोचो यार, थर्मल स्टेबिलिटी को मैं रिलेट कर रहा हूं, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी जिसकी कम होगी वहां से हाइड्रोजन आराम से बाहर निकल जाएगा, निकलेगा ना, जहां पे थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो हाइड्रोजन देगा ही नहीं। और आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट हम लोगों ने पढ़ा है, तो इट इज रिलेटेड टू हाइड्रोजन, मेरी बात समझ में आ रही है, बताओ बच्चों। तो टॉप टू बॉटम आने पे रिड्यूसिंग एजेंट पावर इंक्रीज करती है, रिड्यूसिंग एजेंट पावर बच्चों क्या होती है, इंक्रीज, बिकॉज थर्मल स्टेबिलिटी विल डिक्रीज, प्रोड्यूसिंग पावर विल इंक्रीज, क्योंकि नीचे पे आसानी से रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन मिल जाएगा, क्योंकि समझ में आ रहा है वीक बॉन्ड है। क्या सभी को मेरी बात क्लियर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो बच्ची होगी बिस्मत और हाइड्रोजन की वो बहुत ही वीक होगी, अरे वीक होगी ना, सभी को समझ में आ रहा है, सभी को क्लियर है बच्चों। तो अमोनिया कैसा हो गया, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, क्या सभी को क्लियर हो रहा है कि अमोनिया वीक रिड्यूसिंग, बिल्कुल सही, अमोनिया आपका वीक रिड्यूसिंग एजेंट ही होगा। जबकि बच्चों आपका आर्सेनिक का ASS3, SbS3, BiS3 सारे के सारे बच्चों पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई, थर्मल स्टेबिलिटी के बेस पे बच्चों मैंने यहाँ पे किया आपको एक्सप्लेन, सभी को क्लियर हो गया। अब आते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, इज द बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड को समझते हैं, ध्यान से दो बच्चों, अब बॉन्ड एंगल पे बात करते हैं तो बच्चों प्लीज ध्यान देना, यहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि हमारे जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे बच्चों आप पहला मॉलिक्यूल ले लो अमोनिया, सेकेंड मॉलिक्यूल ले लो आप PH3, नेक्स्ट एली, नेक्स्ट लो बेटा ASS3, नेक्स्ट लो इसके बाद SbS3, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा ये है, ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन हमारा ये है कि बॉन्ड एंगल पे बात की जाए सर, तो बॉन्ड एंगल पे बात की जाए तो बच्चों यहाँ पे अमोनिया का बॉन्ड एंगल आता है बच्चों 107 डिग्री के अराउंड। सभी लोग प्लीज बच्चों ध्यान देना, एक रूल्स आने वाला है, यहाँ बच्चों बॉन्ड एंगल 93 या 94 डिग्री आपको मिलता है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल आपको 93 डिग्री का राउंड आपको मिलता है, यहाँ बॉन्ड एंगल आपका 92 डिग्री का राउंड मिलता है, मतलब बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है। बॉन्ड एंगल आपका क्या कर रहा है बच्चों, टॉप टू बॉटम आने पे बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज। लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि 107 से यहाँ तो सर मुझे बिल्कुल नॉर्मल सिक्वेंस दिख रहा है ना, लेकिन यहां से यहाँ पे आने पे सर बॉन्ड एंगल बहुत ही तेजी से डिक्रीज हुआ है, एक्सीडेंटली तेजी से डिक्रीज होने के पीछे रीजन क्या है भाई, 107 से 94 इतना डिक्रीज होने के पीछे व्हाट इज द रीजन। और वैसे भी समझ सकते हो कि जो अमोनिया है बच्चों इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो टोटल बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो हाउ मेनी बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, हाउ मेनी लोन पेयर, 1, 3 + 1, आंसर विल बी 4। तो 4 का मतलब बेटा टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, बट बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन तो शेप बदलेगा बच्चों लोन पर आने के, लोन पर जब भी आता है ज्योमेट्री नहीं बदलती है, शेप बदलता है, तो बेटा इसकी ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं होगा, वो टेट्राहाइड्रल ही रहेगी, बट शेप विल चेंज अकॉर्डिंग टू बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा पिरामिडल। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, दिस इज शेप, अरे सभी बच्चों क्लियर है,
परफेक्ट पिरामिडल हो गया, परफेक्ट। PH3 कैसा? पिरामिडल, परफेक्ट है। सभी सभी को समझ में आ रहा है भाई सब, ये जैसे ही है। बट सर बॉन्ड एंगल में चेंज क्यों हुआ? बट बॉन्ड एंगल में चेंज क्यों हुआ भाई साहब, ये बताओ मुझे, बॉन्ड एंगल में चेंज क्यों हो गया? और यहीं पे मैं ना बॉन्ड एंगल को और रिलेट कर देता हूं आपको वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी। H2O हो गया, ध्यान दो बच्चों, H2SE आपको पता है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम एंड पोलोनियम। तो यहां भी बच्चों देख लो, इनके साथ भी वाटर मॉलिक्यूल H2S, नेक्स्ट बच्चों H2SE, नेक्स्ट आपका H2TE, ध्यान दो बच्चों। अभी यहां पे बॉन्ड एंगल में लिखता हूं, H2 का बेटा बॉन्ड एंगल कितना बताओ आंसर, H2 का बॉन्ड एंगल कितना जल्दी से बताओ, वाटर मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल क्या, अमोनिया से कम क्या अमोनिया से ज्यादा? अमोनिया से कम या अमोनिया से ज्यादा? अमोनिया से कम या अमोनिया से ज्यादा, जल्दी से आंसर बताओ मुझे। परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल मजा आ रहा है यार लेक्चर, मतलब ऐसे चलना चाहिए धुआंधार, मजा आ रहा है, बिल्कुल सभी बच्चों क्लियर हो रहा है? बताओ भाई सभी लोग, बताओ सभी लोग प्लीज, सभी बच्चे आंसर करें। नूपुर, रुद्रा, वर्षा एंड वैष्णवी, श्रुति एंड साक्षी, साहिल, रितेश, बिल्कुल निरांत, बताओ बेटा आंसर बताओ, एंड मयूर, खातिजा, जागृति, दीप्ति, ओके, दीक्षा, प्लीज बच्चों सभी लोग आंसर करो, सभी लोग आंसर करो कि बॉन्ड एंगल ज्यादा बेटा वो अमोनिया का वाटर मॉलिक्यूल से या वाटर मॉलिक्यूल का ज्यादा, किसका ज्यादा है किसका कम? यार भाई संदेश किधर हो यार, बताओ जल्दी से आंसर क्या होना चाहिए। 105.4 अमोनिया से कम होता है, 104.5 डिग्री। वाई व्हाट इज द रीजन? रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अमोनिया का ज्यादा होता है वाटर से, वाई व्हाट इज द रीजन? रीजन 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 बताओ बच्चों जल्दी से, रीजन बताना है सभी को। निरंत भाई यार आंसर करो, बहुत देर से आंसर नहीं आया आपका, क्या होना चाहिए? 2 lone pairs इन वाटर, एग्जैक्टली ओम, परफेक्टली दशरथ, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, 2 lone pairs, परफेक्ट, lone pairs, 2 lone pairs, बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। वाटर मॉलिक्यूल्स में 2 lone pairs, वहां पे 1 lone pair था, बट सर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बिल्कुल परफेक्ट। अपना क्वेश्चन की सर बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा डिफरेंट बुक के अंदर, वो आप मैच कर लेना। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा H2S का? 92 डिग्री। इसका बॉन्ड एंगल और लास्ट वाली का बॉन्ड एंगल था 90.5 डिग्री। बट यहां भी तो सर डिग्रीज हुआ है, ये तो सर रेगुलर है, यहां वाले तो रेगुलर है सर, लेकिन यहां पे क्या हो गया? यहां पे बॉन्ड एंगल तेजी से डिक्रीज क्यों किया H2S से H2S में? जैसे हम लोगों ने बात की थी अमोनिया से PH3 में बॉन्ड एंगल तेजी से डिक्रीज क्यों किया, व्हाट इज द रीजन? वही तो समझना है, वही चीज तो समझनी है। और आपको अच्छे से पता है कि सर ये भी तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं? बिल्कुल, जैसे वो sp3 थे, 3 bond pair 1 lone pair, 2 bond pair 2 lone pair, सर ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कोई मुझे डाउट नहीं है, सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, परफेक्ट है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ, यहां तक बात सभी क्लियर है? बिल्कुल यस विनायक, यस बेटा बिल्कुल। चलो चलते हैं अपने ट्रेंड को समझने के लिए और लेते हैं एक बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन को, समझते हैं कि बच्चों अमोनिया के अंदर है क्या, बताओ भाई साहब। अमोनिया के अंदर तो बच्चों पता है कि सर इसका हाइब्रिडाइजेशन मुझे पता है sp3 है, बट सर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन समझना बहुत जरूरी है कि भाई जो PH3 वाला केस है, PH3 के अंदर भी सर वही सेम केस है, 1 lone pair 3 bond pair सर sp3 होगा। मैं बोलूंगा कि बच्चों यहां पे कोई भी हाइड्रेशन नहीं होगा, नो हाइड्रेशन, कोई भी हाइड्रेशन नहीं होगा, लेकिन यहां बच्चों हाइब्रिडाइजेशन परफेक्ट होता है। ना क्वेश्चन इज दिस कि सर हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, होता क्या है? बच्चों जब मॉलिक्यूल बन रहे थे ना, जब ब्रह्मा जी ने दुनिया को बनाया है, तो ब्रह्मा जी जब मॉलिक्यूल्स को बना रहे थे, उन्होंने सबको बनाया, लिविंग नॉन लिविंग, तो ब्रह्मा जी जब दुनिया को बना रहे थे तो उन्होंने बोला, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो, समझ रहे हो ना, ह्यूमन बॉडी को बनाना। तो भाई ब्रह्मा जी जब दुनिया को बना रहे थे, मैं कहानी सुना लूं छोटी सी, ब्रह्मा जी जब दुनिया को बना रहे थे तो बनाते समय उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला मैं सबको स्टेबल नहीं बनाऊंगा, अगर सबको स्टेबल बना दूंगा ना, तो अगर अगर सोचो अगर ह्यूमंस को अगर स्टेबल बना देते ना वो, भाई साहब
हम लोग ही फोटोसिंथेसिस कर लेते और आराम से धूप में पड़े रहते और बहुत सारी एनर्जी बनाते, आराम से मजा करते। रिकास्टिंग ऑफ ऑर्डर्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी, मुझे नहीं पता इसका रिकास्टिंग, मुझे नहीं आता इंग्लिश, इतना इंग्लिश मुझे नहीं आता बेटा, ठीक है। पीएस3 डायगोस्ट मॉलिक्यूल्स, हाँ डायगोस्ट मॉलिक्यूल्स है, पीएस3 नहीं, पीएस3 से लेके नीचे वाले सारे मॉलिक्यूल्स, पीएस3 एएसएस3 सारे ड्रैगोस मॉलिक्यूल्स है, सारे ड्रैगोस है, नॉट ओनली पीएस3 निरंत बेटा, अमोनिया को छोड़ के बाकी नीचे वाले सारे आपके ड्रैगोस मॉलिक्यूल्स हैं, बिल्कुल। अरे बात समझ में आ रही है सभी को? अभी तो कुछ को मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो। हाँ तो मैं बता रहा था ब्रह्मा जी की कहानी यार, तो ब्रह्मा जी ने बोला कि भाई सभी को स्टेबल बना नहीं सकता हूं मैं, क्योंकि सभी को स्टेबल बना दूंगा तो भाई साहब लोग काम नहीं करेंगे, लोग मेहनत नहीं करेंगे, लोग अच्छे नेक काम नहीं करेंगे, अच्छे काम नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। सोचो आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे, भाई एनर्जी तो अपने आप ही मिल रही है, पेट तो वैसे ही भर रहा है, ठीक है, कुछ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग पेट के लिए कर रहे हैं, अच्छे काम करते हैं, बात बताओ बेटा, तो वो काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ब्रह्मा जी ने सबको अनस्टेबल बना दिया, अनस्टेबल बनाया, कोई अधिक स्टेबल है, कोई कम स्टेबल है, जो अच्छे से काम करता है, अच्छे से मेहनत करता है, अब स्टेबल है। भाई इसके मार्क्स अच्छे क्यों आते हैं? बिकॉज आप अच्छी मेहनत करते हो। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि ठीक है आप धरती पर जाओ और जाने बहुत मेहनत करो, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, मेहनत करोगे आपको सब कुछ मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि मेहनत करने से क्या मिलती है, क्या मिलती है बच्चों? विद्या, सरस्वती मिलती है। जब सरस्वती जिसके पास होती है ना, उसके पास लक्ष्मी भी आती है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बताओ मेरी बात समझ में आ रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेहनत करेगा उसके पास सरस्वती आएगी, और सरस्वती माँ आएंगी तो भाई साहब लक्ष्मी तो जरूर आएगी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कनेक्टिविटी लक्ष्मी आ गई, सरस्वती माँ की, समझ में आ गई आपको? बिल्कुल। तो हम लोग क्या करेंगे? मेहनत। तो चलते अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों अमोनिया में हुआ हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ क्यों? भाई जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे नाइट्रोजन के पास, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे बेटा तीन हाइड्रोजन के पास, भाई साहब इनकी एनर्जी अलग अलग है, इनकी एनर्जी, नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनका ऑर्बिटल अलग है, उनकी एनर्जी अलग है, हाइड्रोजन की एनर्जी अलग है। भाई अलग अलग एनर्जी वाले और अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे नहीं तो फिर आंसर कैसे बनेगा? तो इसलिए बच्चों सबसे पहले क्या किया गया, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स और बेटा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स दोनों को आपस में मीट कराया गया, जैसे मैंने बताया था ऑरेंज जूस और पपाया जूस या जो भी जूस, दो दोस्त जाते हैं दुकान पे, दोनों को मजा लेना है दोनों जूस का, तो दोनों को मिक्स कर दिया, नया जूस बन गया, उसको पीना स्टार्ट किया, दिस कॉल्ड हाइड्रेशन प्रोसेस। या फिर दाल में चावल मिला दो, चावल अलग है दाल अलग है, दोनों को मिक्स कर दो, मिक्स करने के बाद जब खाते है ना तो बताओ बच्चों व्हाट इज दिस, दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एनर्जी बराबर हुई कि नहीं हुई? सभी की एनर्जी बराबर हो गई है, परफेक्ट आंसर। सभी को समझ में आ गया? बताओ जल्दी से, सभी बच्चों क्लियर हो गया? हाइड्रेशन इज क्लियर। जैसे बच्चों हाइड्रेशन प्रोसेस हुआ, तो हाइड्रेशन प्रोसेस होने के बाद एनर्जी बिल सेम, एनर्जी बिल सेम, लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे बेटा, मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा हूं, जब बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे ना तो उनकी एनर्जी इस नाइट्रोजन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर नहीं होगी, या तो ज्यादा होगी या कम होगी, ये बात समझ लो। तो जब बेटा बन चुका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो इस केस में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे सबकी एनर्जी बराबर हो गई होगी, सबकी एनर्जी बराबर, सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बराबर। जब एनर्जी बराबर तो फिर बच्चों यहां से क्या होगा, यहां से ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। पर जैसे आपकी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी तो बच्चों वहां से बनेंगे, अगर हेटवर्ड ओवरलैपिंग तो आंसर विल बी सिग्मा, साइड वाइज ओवरलैपिंग आंसर विल पाई बॉन्ड। क्या समझ में आ गया? पहला प्रोसेस बच्चों क्या, इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट है, एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर। फिर एटॉमिक ऑर्बिटल्स बच्चों अलग अलग, अलग अलग एटम के अलग अलग हैं, वो कंबाइन करना चाह रहे हैं, तो पहला प्रोसेस कौन करेगा, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, जिससे एनर्जी बराबर हो जाए। एनर्जी बराबर होने के बाद बच्चों ओवरलैपिंग होगी, और ओवरलैपिंग होने के बाद क्या बनेगा बच्चों, मॉलिक्यूल बन जाएगा, वो सबसे अधिक स्टेबल होगा। क्या सभी को समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? एमओटी हो, बीबीटी हो, कोई थ्योरी हो, हंट्स रूल, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पाउली एक्सक्लूजन को हमेशा फॉलो करते हैं। समझ में आ रहा है? कहां कहां पे लेके जा रहा हूं, सबको समझ में आ रहा होगा। चलो अभी कहानी रुकी हुई है, तो बच्चों यहां पे आपको क्या मिलेगा वो देखो बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं फास्फोरस की तरफ, ध्यान देना सभी लोग। तो फास्फोरस के अंदर बच्चों 3H2 आएगा, हाँ सर बिल्कुल, फिर 3P3 आएगा, बताओ बच्चों 3P3 आएगा, सभी को दिख रहा है 3P3, 1, 2, 3, सभी को क्लियर है यहां तक? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? यहाँ बच्चों आपका जो हाइड्रेशन है वो पॉसिबल नहीं होता है 3s का, 3s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बच्चों आपके हाइड्रेशन में जाते ही नहीं है, मेरी बात समझो। अब होगा क्या यहाँ पे, इस वाले केस में अगर आप P को देखो तो P के आसपास क्या होगा, ये लोन पेयर्स हाइड्रेशन में नहीं गए,
ये 3s वाले इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रेशन में यहाँ पे नहीं जाते हैं। क्यों नहीं आते हैं? मैं रीजन दूंगा अभी थोड़ी देर में। बाकी बच्चों यहाँ पे जो पी वाले हैं, पी वाले कितने बच्चों? एक दो तीन, पीएक्स पीवाई पीजेड जब हाइब्रिडाइज होते हैं सर, छोटा साइज इधर, छोटा साइज एक तरफ, बड़ा साइज इधर भी बच्चों, इधर बड़ा साइज इस तरफ छोटा साइज। नेक्स्ट बच्चों बताओ यहाँ पे तो कोई इस तरीके से, ये बड़ा साइज ये छोटा साइज, तो पीएक्स पीवाई पीजेड तीन हो गए, ये बच्चों 3s हो गए, ये हाइब्रिडाइज नहीं होगा। समझ में आ रहा है सभी को? बताओ जल्दी से। यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आएगा बच्चों हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स। हो गए ओवरलैप, सबको समझ में आ रहा है? पीएस3 का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। इसमें बच्चों जो 3s वाले हैं वो आपके हाइब्रिडाइज नहीं हुए, 3s वाले हाइब्रिडाइज नहीं हुए हैं और होते भी नहीं है। पर डगोज रूल्स में बताऊंगा अभी एक्चुअली कौन कौन से पॉइंट है, पहले इसको समझ लो। ये हाइब्रिडाइज होता ही नहीं है। जब इसके लॉन पेयर्स बेटा 3s वाले इलेक्ट्रॉन्स अगर हाइब्रिडाइज नहीं होंगे तो मैं बेटा बोलूंगा इसको प्योर, प्योर 3s ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स। अमोनिया वाले में क्या थे? अमोनिया में 2s वाले हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, 2s वाले हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड नहीं होते हैं। ऑफ फास्फोरस से लेके और नीचे वाले सारे के सारे कोई भी हाइब्रिडाइज नहीं होते हैं, कोई भी हाइब्रिडाइज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों यहाँ पे बॉन्ड एंगल आपका आता 94 डिग्री। और यहाँ वाला बॉन्ड एंगल आपको पता चल ही रहा था कि इस केस में एबीएसपी था, एबीएसपी था, यहाँ पे बॉन्ड एंगल ऑब्वियसली बच्चों मैक्सिमम आ रहा था, यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या 94 डिग्री होता है। ये तो बात मुझे समझ में आ गई है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, परसेंटेज एस करेक्टर हो गया है बेटा बहुत ज्यादा, परसेंटेज एस करेक्टर आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा हो चुका है। हम बात कर रहे हैं पीएस3 वाले केस में, क्योंकि वहां पे एस है ना वो प्योर है, 3s वाले प्योर इलेक्ट्रॉन्स है, प्योर ऑर्बिटल से वो हाइड्रोजन में गए ही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे एस परसेंटेज बच्चों क्या होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे एस परसेंटेज जो बच्चों है वो आपका 25% से ऊपर जाता है कि जाता है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं ये बात करने वाला हूँ कि हम इसको निकालते कैसे हैं, एस परसेंटेज सर निकाला कैसे जाए। तो बच्चों यहाँ पे आता है फॉर्मूला, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है एस डिवाइड बाई एस माइनस वन, एस आपका एस परसेंटेज, यहाँ बच्चों कॉस 90 डिग्री ले लो आप, है ना, पीएससी वाले केस में, तो एस डिवाइड बाई एस प्लस वन, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो बच्चों यहाँ पे कितना आंसर आएगा बताओ जरा, यहाँ पे कितना आंसर आएगा? 94 ले लो तो बेटर रहेगा, तो कितना आंसर आएगा बताओ? ये माइनस में आएगा बच्चों 0.069 समथिंग मिलेगा, इक्वल टू एस डिवाइड बाई एस माइनस वन। और इसको अगर बच्चों हम लोग यहाँ पे जरा सॉल्व करें तो परसेंटेज एस करेक्टर जो आ जाता है वो 6% के अराउंड आपको देखने को मिलता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पीएस3 के अंदर बच्चों क्वेश्चन ये है कि इसमें लॉन पेयर, अच्छा एक क्वेश्चन मुझे बताओ कि 6% जो एस करेक्टर है वो किसके पास है, क्या वो फास्फोरस के पास है कि लॉन पेयर के पास, बताओ मुझे। जो 6% है जो एस करेक्टर है किसके पास होगा भाई, 6% जो एस करेक्टर क्या फास्फोरस के पास है कि लॉन पेयर के पास है, मुझे बताओ किसके पास होगा, लॉन पेयर के पास, और बताओ बच्चों 6% किसके पास होगा, लॉन पेयर के पास या फास्फोरस के पास? ये रहा आपका स्ट्रक्चर, किसके पास होगा ये 6%? 6% किसके पास? फास्फोरस के पास होगा। बहुत से बच्चे फास्फोरस बोल रहे हैं, बहुत से बच्चे लॉन पेयर्स बोल रहे हैं। तो बच्चों बॉन्डिंग ना ये वाला बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग साइज का 94 डिग्री कह रहा हूँ, ये वाला बॉन्डिंग, ये वाले बॉन्डिंग, ठीक है, फास्फोरस इधर हाइड्रोजन, फास्फोरस हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्डिंग सीधा 94 डिग्री। ये जो 6% है ये एक्चुअली बच्चों प्रेजेंट होता है आपके किसके पास, लॉन पेयर के पास, बिल्कुल लॉन पेयर के पास, लॉन पेयर के पास जो आपका परसेंटेज है वो बच्चों रहता है 94%, और इस फास्फोरस के पास आता है बच्चों ओनली 6%। बात समझ लो ध्यान से, जो 6% आपका एस परसेंटेज है वो रहेगा बच्चों इस फास्फोरस के पास, और ये लॉन पेयर के पास 94%। बात समझ सकते हो, 94% अकेले लॉन पेयर के पास है एस परसेंटेज, समझ में आ रहा है? तो एस परसेंटेज जिसके पास ज्यादा होता है तो लॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन्स के पास एस परसेंट 94% है। तो इसका मतलब कि एस करेक्टर जिसके पास ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बहुत क्लोज होते हैं, तो इस केस में लॉन पेयर न्यूक्लियस के बहुत क्लोज आ जाएंगे, और इतने क्लोज जाएंगे कि उनकी वजह से रिपल्शन ही नहीं होगा। बच्चों बात समझ में आ रही है? बच्चों बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ पे रिपल्शन होगा ही नहीं। अरे बात समझ में आ रही है भाई, एस करेक्टर आपके लॉन पेयर का ज्यादा है, 94% बहुत ज्यादा है बच्चों, इतना बहुत ज्यादा। तो उसकी वजह से जिस मॉलिक्यूल में एस करेक्टर ज्यादा है या जिस इलेक्ट्रॉन के पास, जिस ऑर्बिटल के पास एस करेक्टर ज्यादा होता है वो न्यूक्लियस के बहुत क्लोज आ जाएंगे। तो ये बड़ा दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, न्यूक्लियस से क्लोज आ चुके हैं, तो
उनकी वजह से जो इफेक्ट होना चाहिए, जो रिपल्सन होना चाहिए बॉन्ड पेयर के साथ, वो ज्यादा मिनिमम। रिपल्सन मिनिमम होगा तो बॉन्ड एंगल बच्चों तेजी से करेगा डिक्रीज आपके अमोनिया के कंपेरिजन में। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ सभी लोग, क्या सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक सभी क्लियर है कि नहीं? यहां तक सभी बच्चों क्लियर हो रहा है? यस। अब देखो, अब मैं ड्रैगोज रूल्स को करता हूं एक्सप्लेन वन बाय वन। ड्रैगोज रूल्स ठीक है, तो ड्रैगोज रूल्स समझ में आ गया बच्चों? पहले तो तीन रूल्स समझ में आ गए क्लियर। एटलीस्ट वन लोन पेयर मस्ट बी प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम। 13, 15, 16 ग्रुप आपके होने चाहिए, ग्रुप से एलिमेंट होना चाहिए सेंट्रल एलिमेंट। थर्ड टू सेवेंथ पीरियड वाले अगर आपके सेंट्रल एटम दिखते हैं पीरियड से, तो भी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों क्या होनी चाहिए? लेस देन 2.5 या इक्वल टू 2.5 होने चाहिए, तो भी आपका ड्रैगोज रूल्स वहां पे एप्लीकेबल होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की तरफ। सिग्मा बॉन्ड आर एब्सेंट, सिग्मा बॉन्ड आर एब्सेंट एंड फोर लोन पेयर आर देयर। ये भी एक केस होता है, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ये सिर्फ आप जो स्टार्टिंग के तीन रूल थे वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को समझना जरूरी होता है, ठीक है? तो इसमें इतना आपको ध्यान नहीं देना, ये रूल आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? तो ये तीन आपकी जो कंडीशन थी वो आपकी एप्लीकेबल आपको करनी पड़ेगी। आप एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ड्रैगोज रूल्स जो है, उस ड्रैगोज रूल्स में फॉस्फीन से लेकर नीचे वाले सारे के सारे वो डेफिनेटली आपके ड्रैगोज रूल्स को फॉलो करेंगे, बॉन्डिंगल आपका तेजी से डिक्रीज करेगा, 90 डिग्री अराउंड आपको बॉन्डिंगल देखने को मिल जाएगा। सबको बात समझ में आ रही है? बताओ बच्चों यहाँ पे, और वहाँ पे एस परसेंटेज की वैल्यू तेजी से इंक्रीज कर जाएगी लोन पेयर के साथ रिपल्शन बिल मिनिमम, तो वहाँ पे आपका बॉन्डिंग तेजी से क्या करेगा बच्चों, जो एच डी एस है 93 जो भी आपका रहता है उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सभी को बात समझ में आ रही है? ऑक्सीजन फैमिली की बात करें, वाटर मॉलिक्यूल के साथ बच्चों वर्क नहीं करता है ड्रैगोज रूल्स। वाटर मॉलिक्यूल से नीचे वाले जितने भी हैं उन सबके साथ, जैसे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, उन सबके साथ बच्चों ड्रैगोज रूल्स आपको देखने को मिलेगा। नाउ क्वेश्चन बेटा, अभी क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। जैसे बच्चों डाला मैंने अमोनिया के साथ HCl डाइल्यूट, तो बताओ क्या आपको रिजल्ट यहाँ मिलेगा, क्या आंसर बनेगा? मैंने अगर आपसे दिया है PH3, इसके साथ दे दिया मैंने HCl, इट इज ऑल्सो डाइल्यूट, तो क्या आंसर बनेगा? अगर मैंने लिखा है PH3 के साथ बच्चों HCl कॉन्सेंट्रेटेड, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड, तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा? अगर मैंने अमोनिया के साथ बच्चों दे दिया वाटर मॉलिक्यूल्स, तो आंसर क्या बनेगा? बताओ जल्दी से, कहाँ पे क्या पहले बच्चों आंसर क्या मिलेगा? अमोनिया क्या है? अमोनिया आपको पता है कि सर स्ट्रॉन्गर बेस है, ठीक है? HCl बच्चों डाइल्यूट है, रिएक्शन परफॉर्म करेगा, H प्लस ले लेगा, NH4Cl बना लेगा, H प्लस साइन यहाँ पे जाएगा बेटा, बिकॉज लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है? तो बन गया NH4Cl। PH3 बेटा, PH अगर मैंने डाइल्यूट HCl यूज कर दिया है तो आंसर बनेगा कुछ भी नहीं, नो आंसर। क्यों? क्योंकि बच्चों ये कैसा है, ये वीक बेस है, ये वीक बेस है, और वीक बेस है तो आप समझ ही सकते हो बच्चों यहाँ पे कि HCl अगर डाइल्यूट होगा तो आंसर कुछ भी नहीं देने वाला। तो यहाँ पे HCl लेना पड़ेगा बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड, आपको लेना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेट रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो बच्चों आंसर मिल जाएगा आपको PH4Cl। ये बात सबको समझ में आ रही है? बताओ जल्दी से। तो अगर आपका वीक बेस है तो उसके लिए बेटा क्या लेना पड़ेगा? आपको स्ट्रॉन्ग एसिड लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सभी को? अमोनिया के साथ बच्चों वाटर डालेंगे तो ये तो इजी पता है आपको कि सर NH4OH, हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं, अमोनिया हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन क्लियर है, बीच वाली PH3 प्लस डाइल्यूट HCl, PH3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। क्यों मैंने यूज किया? बिकॉज वो आपका वीक बेस था, ठीक है? उसकी वजह से मैंने यहाँ पे यूज कर दिया है स्ट्रॉन्ग एसिड। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? बताओ बच्चों, यहां तक सभी क्लियर हो गया? इस पॉइंट तक सभी क्लियर हो गया है? चलो, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा हैलाइड। तो हैलाइड्स की बच्चों बात करेंगे तो आपको पता है हमारा पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। तो बेटा यहाँ पे कौन कौन से हाइड्राइड्स, आप कौन से हैलाइड्स मिलने वाले हैं? तो बेटा नाइट्रोजन से लेके और लास्ट एलिमेंट है आपका बिस्मथ, ये सारे के सारे ट्राइहेड का फॉर्मेशन आराम से करते हैं। कैसे बच्चों? पहला आपका NF3, यहां से NCl3, नेक्स्ट बच्चों NBr3, नेक्स्ट इज NI3।
इसी तरीके से बच्चों फॉस्फोरस, ठीक है, NF3 कर लेना, यहां से सारे के सारे आपके ट्राई हैलाइड्स का फॉर्मेशन बिल्कुल करेगा। सेम आर्सेनिक, सेम आपका आपका एंटीमनी, लास्ट आपका बिस्मत, और बिस्मत भी बच्चों एज इट इज सारे के सारे सेम ट्राई हैलाइड्स का फॉर्मेशन करेगा। मैं लिख देता हूँ BIF3, ठीक है, स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी अलग होगी BICL3, नेक्स्ट आपका BIBR3, नेक्स्ट आपको मिलेगा BII3। लेकिन बच्चों क्वेश्चन बनता है पेंटा हैलाइड से, तो ट्राई हैलाइड तो हर किसी के मिल जाते हैं, सभी के सभी बराबर, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ, लेकिन क्वेश्चन बच्चों बनता है पेंटा हैलाइड। तो अगर मैं पेंटा हैलाइड की बात करूं तो बच्चों पेंटा हैलाइड बेटा आपके नेट्रोन वाले केस में नहीं मिलता। नेट्रोन वाले केस में पेंटा हैलाइड क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज जिसके पास बच्चों डी ऑर्बिटल्स होते नहीं है तो एक्सपेंशन हो नहीं सकता। इन केस ऑफ फास्फोरस यहाँ बच्चों मिलता है PCl5, आपने अगर पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है, PF5 ये भी बेटा बनता है, जैसे आपका PBr5, ये कुछ इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू NCERT डाटाबेस। नेक्स्ट बच्चों आर्सेनिक की बात करेंगे तो यहाँ भी मिलता है आर्सेनिक, बेटा इंपॉर्टेंट है NCERT वाला ASF5, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम एंटीमनी की बात करें तो यहाँ से बच्चों दो NCERT इंपॉर्टेंट है, SPF5 और नेक्स्ट है आपका SBCl5, ये दोनों बड़े NCERT वाले। लास्ट बच्चों बिस्मत का BIF5, ये इंपॉर्टेंट पेंटा हैलाइड्स हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिए हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, ट्राई हैलाइड सभी बनाते हैं, पेंटा हैलाइड्स बनाने में नाइट्रोजन पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज इसके पास क्या है, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन बेटा पेंटा हैलाइड्स नहीं बनाता है बिकॉज अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल्स यहाँ पे नहीं होते हैं जिसकी वजह से बेटा आपका नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। ये बात सभी को समझ में आ रही है? बताओ बच्चों, यहाँ तक सभी बच्चों को बात क्लियर हो रही है? NCERT के लिखे हैं मैंने, सिर्फ NCERT पढ़ लो, इसमें और इसके एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। बताने को मैं बहुत कुछ बताऊंगा लेकिन सिलेबस पूरा हो नहीं सकता, फिर जो NCERT वाले में वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, NCERT वाले आप समझ लो, NCERT वालों पे ही ध्यान देना है क्योंकि इनऑर्गेनिक के अंदर NCERT से बाहर ना तो मेंस में आता, ना एडवांस में, ना आपकी नीट में, किसी भी एग्जाम में आपके इससे बाहर आता ही नहीं है। लेकिन जो चीज समझाने को जितनी ज्यादा है वहां तक मैं लेके जाऊंगा, फिर मैं आपको उसके बाद लेके आऊंगा, ठीक है। ओके, अब ट्राई हैलाइड्स को थोड़ा समझ लेते हैं कि बेटा ट्राई हैलाइड्स के अंदर जनरल फॉर्म था MX3, आप बोल सकते हो बेटा सारे के सारे ट्राई हैलाइड्स, जितने भी ट्राई हैलाइड्स आपके फॉर्म हुए थे सारे के सारे ट्राई हैलाइड्स आपके स्टेबल होते हैं, आपके स्टेबल होते हैं। किन किन को छोड़ के? एक तो बच्चों आपका NCl3, नेक्स्ट आपका NBr3, ठीक है, सभी स्टेबल होते हैं लेकिन किसको छोड़ के वो समझ लो, NCl3, NBr3 और बच्चों NI3, इनको छोड़ के ये बच्चों होते हैं अनस्टेबल। इस पे क्वेश्चन सीधा आया हुआ है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों अनस्टेबल होते हैं। बट अनस्टेबल क्यों होते हैं बताओ बच्चों, ये अनस्टेबल क्यों होते हैं? अनस्टेबल नेचर होने के पीछे रीजन क्या है? रीजन है आपका लो पोलैरिटी इज द रीजन। तो अनस्टेबल क्यों है? बिकॉज बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि ये सारे के सारे ट्राई हैलाइड जितने भी मैंने डिस्कस किए थे वो सारे के सारे बच्चों स्टेबल होते हैं, लेकिन NCl3, NBr3, NI3 आपका अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल होने के पीछे, इनके पीछे जो रीजन है वो है बच्चों लो पोलैरिटी ऑफ NX बॉन्ड। जो नाइट्रोजन के साथ जो X बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी बच्चों बहुत कम होती है। जब पोलैरिटी कम होगी तो इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, लार्ज डिफरेंस इन साइज, हम ये भी तो बोल सकते हैं भाई, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो भाई क्लोरीन का साइज बड़ा होगा क्लोरीन से, वो तो स्टेबल था NF3 वाला, Br का साइज और बड़ा, आयोडीन का साइज और बड़ा, N तो छोटा ही सही है ना। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, पहला पॉइंट है आपका लो पोलैरिटी और दूसरा रीजन है आपका साइज का डिफरेंस बढ़ने की वजह से ये आपके तीनों के तीनों क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। यही दो रीजन है, इन दोनों रीजन को आपको बिल्कुल सही से रखना है, बिल्कुल संभाल रखना है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? MX3 ट्राई हैलाइड्स के बेटा शेप क्या होगा, पिरामिडल शेप, SP3 हाइड्रेशन होगा, इतनी बात क्लियर है सभी को? अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा लिबिस बेस के ऊपर, तो लिबिस बेस जो स्ट्रेंथ है बेटा वो किसके अधिक होगी? मैं आपको देता हूं NI3, मैं आपको देता हूं NCl3, मैं चेंज करता हूं यहां पे, NBr3 दे देता हूं, चलो NBr3, NCl3 और NF3। बताओ लिबिस बेस का ऑर्डर क्या होगा, लिबिस बेस का ऑर्डर, लिबिस बेस समझते हो ना,
डोनेशन डोनर है ना, तो लोन पे का डोनेशन करते हैं, लोन पे को डोनेट करते हैं, तो सबसे अच्छा लिविस बेस कौन होगा बताओ बच्चों, बताओ जल्दी से, लिविस बेस सबसे अच्छा कौन होगा? यस NH3 इज स्टेबल, ठीक है, नेटू के माइनस थ्री कैसे होगी भाई, फ्लोरीन, हाँ इसमें BIF3 आयोनिक, देखो नीचे जाने पे मेटलिक करेक्टर बढ़ता है ना संदेश, तो आपको मेटल्स इधर आपका फ्लोरीन आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव है मोस्ट, तो ऑब्वियसली आपका आयोनिक करेक्टर आपका डेवलप हो जाएगा। इसमें आंसर के एक बच्चे ने कि यहाँ पे सबसे अच्छा आपका लिविस बेस होगा, ये सिक्वेंस होना चाहिए, बिल्कुल सही यही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा बेटा, वो इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर को होल्ड करने की टेंडेंसी अधिक शो करेगा। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, लोन पेयर को बहुत ही अच्छे ढंग से होल्ड करेगा, समझ में आ रहा है सभी को, लोन पेयर को बहुत ही अच्छे ढंग से वो होल्ड करके रखेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा, बिल्कुल सही। तो उस केस में लोन पेयर डोनेट वो करेगा ही नहीं, करेगा कौन बच्चों? जो आराम से होल्ड नहीं करेगा। तो देखो आयोडीन वाले केस में आपको दिख रहा है यहाँ पे डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है, तो लोन पेयर यहाँ पे आसानी से ये डोनेट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा लिविस बेस का जो ऑर्डर होगा वो आपका Ni3 का सबसे अधिक, उससे कम हो जाएगा आपका NBr3, फिर NCl3, फिर आपका NF3। समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे कहानी यहाँ पे बनती है। क्लियर है सभी को? सही सही बेटा बताओ, यहाँ पे क्लियर हो गया सभी को? अच्छा अब एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताना जरा मुझे। क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन से अगर मैं बिस्मथ की तरफ आ रहा होता हूं तो मुझे बताओ इस फैमिली में लिविस एसिड एंड लिविस बेस कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, कौन सा कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, कौन सा इंक्रीज कौन सा डिक्रीज बताओ मुझे। नाइट्रोजन से बेटा हैलाइड्स की बात कर लो, ट्राई हैलाइड्स की अगर मैं टॉप टू बॉटम आ रहा हूं तो इनकेस ऑफ ट्राई हैलाइड्स लिविस एसिड कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा, लिविस बेस करेक्टर घटेगा या बढ़ेगा? पहले बताओ लिविस एसिड करेक्टर, बेटा लिविस बेस करेक्टर घटेगा या बढ़ेगा बताओ जल्दी से, हैलाइड्स वाली केस की बात कर रहा हूं मैं। लिविस बेस कैरेक्टर आपका क्या करेगा बच्चों? लिविस एसिड कैरेक्टर तो आपका इंक्रीज करेगा और लिविस बेस कैरेक्टर आपका डिक्रीज करेगा। क्लियर हो गया यहां पे? बिल्कुल, ये छोटे-छोटे से कांसेप्ट इन पे क्वेश्चंस आते हैं और गलती हो जाती है, कभी इंक्रीज का डिक्रीज, कभी इंक्रीज का डिक्रीज लगाते हैं। अच्छा नाउ क्वेश्चन इज दिस कि अगर बच्चों मैं NF3 और PF3 इन दोनों का अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूं तो व्हाट इज द आंसर? अगर मैं इन दोनों का हाइड्रोलिसिस कराता हूं तो आंसर क्या बनेगा बताओ बच्चों? इन दोनों का मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूं तो आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन यहां से आए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड चीजें मैं बात डिस्कस कर रहा हूं बेटा, एनसीईआरटी में जो एक्सप्लेनेशन है उसी डिस्कस कर रहा हूं मैं। NF3 और PF3 अगर मैं इनका हाइड्रोलिसिस कराता हूं तो क्या बनेगा आंसर बताओ? NF3 का नहीं होगा, NF3 का हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा रीजन बताओ? PF3 का हाइड्रोलिसिस भी नहीं होगा, नहीं होगा बिल्कुल भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताओ मुझे, बताओ बच्चों क्यों नहीं होगा यहाँ पे? क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन फ्लोरीन इन NF3, ये बिल्कुल सही है, वो तो ठीक है। तो डी ऑर्बिटल नहीं है, हाँ ठीक है डी ऑर्बिटल भी नहीं है, बेकेन डी ऑर्बिटल्स भी नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं होने वाला इनका, तो NF3 वाले केस में। और अब क्वेश्चन है कि सर PF3 में तो होता है, बट यहाँ पे जो फास्फोरस और जो फ्लोरीन है उनके जो आपके ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी में डिफरेंस बहुत ही कि नहीं होगा, इसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ डेवलप होगी ना, बहुत स्ट्रांग होगी,
बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी बिल्कुल जबरदस्त यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने वाली है। दूसरी रीजन बच्चों, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स इसके पास प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन दोनों का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछू NCl3 अगर इसके हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे तो क्या आंसर बनेगा, बताओ मुझे, बताओ बेटा, सभी लोग आंसर बताओ। NCl3 का अगर हाइड्रोलिसिस है तो आंसर क्या बनना चाहिए? मैं अगर पूछूं आपसे PCl3 अगर इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो बताओ यहां से आंसर क्या बनेगा। ये सब मैकेनिज्म में हो चुका है, सब कुछ मैकेनिज्म में डिस्कस ऑलरेडी मैं कर चुका हूं जो ऑफलाइन सेशन चल रहा था, ठीक है, ऑफलाइन सेशन में। इसलिए मैंने डेप्थ में पढ़ाया था मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कोई पढ़ाता नहीं है बच्चों, मैकेनिज्म कोई टीचर नहीं पढ़ाता इनऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है। सर रटने को बोलेंगे रट लो इसको, मैंने आपको देखो मैकेनिज्म सिखाया पूरा, बहुत ही डेप्थ में सिखाया है। नेक्स्ट है आपका AsCl3, बताओ बेटा संदेश निरांत, बिल्कुल संदेश ने आंसर किया, बिल्कुल परफेक्ट, करेक्ट आंसर, परफेक्ट बेटा, बिल्कुल। वाटर मॉलिक्यूल क्या बनेगा आंसर, बताओ जल्दी से क्या आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट मैं देता हूं यहाँ पे एंटीमनी का ट्राइहैलाइड, HPCl3 प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, इसका आंसर बताओ। यस, नेक्स्ट बेटो मैं देता हूं बिस्मथ का BiCl3 प्लस आपका हाइड्रोलिसिस। क्वेश्चन आया है बच्चों जेई एडवांस के अंदर, कहां से, बिस्मथ से, यहां से क्वेश्चन आया एडवांस के अंदर, कि क्वेश्चन ये था इक्विलिब्रियम को लेके क्वेश्चन आया था, एंटीमनी भी इक्विलिब्रियम में रिएक्शन शो करता है। पहले बात करते हैं NCl3 की तरफ, तो NCl3 के साथ बच्चों हाइड्रोलिसिस होगा तो कैसे होगा, क्या होगा, इसका रीजन मैं आपको पहले बता चुका हूं बेटा। स्ट्रक्चर याद है ना, नाइट्रोजन के साथ 3 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 1 इसके पास लोन पेयर्स होगा। समझ में आ रहा है सभी को? तो जब बच्चों इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो उसमें से क्या निकलने वाला है, वो एसिड कौन सा निकलने वाला है, एसिड यहां से बच्चों Cl। अब ऐसे मत बोलना कि सर HCl रिलीज होगा, भाई बेकेन ड्यूरेटल नहीं है इसके पास कि आप चाहो तो सर इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर्स को यहाँ पे उठा के लाओ चिपका दो उस बेकेन ड्यूरेटल में, नहीं ऐसा नहीं करना है। ये गलत आंसर, वो BH3 वाला केस अलग था, NCl3 वाला केस अलग है, हाइपोक्लोरस, बिल्कुल ओम, परफेक्ट आंसर। यहां से मिलेगा HClO, तो ये आंसर मिलेगा, बाकी बच्चों यहां से रिलीज होगी आपकी अमोनिया गैस, ठीक है। सेकंड बच्चों PClC प्लस वाटर मॉलिक्यूल, बताओ आंसर, H3PO, बताओ बेटा H3PO3 प्लस HCl। अब यहां HCl बनने वाला है, क्यों, क्योंकि यहां पे बेकेन डी ऑर्बिटल्स हैं, यहां बेकेन डी ऑर्बिटल्स हैं, जिसकी वजह से आपने जो लोन पेयर से बच्चों आपके वाटर मॉलिक्यूल्स का वो बेकेन ऑर्बिटल में चला जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, OH बनेगा, HOCl बाहर निकल जाएगा, तो 3 HCl बाहर निकल जाएंगे, बाकी बच्चों बनेगा H3PO3। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बच्चों यहां से बनेगा H3A, सेम आंसर, सेम प्रोसेस से बच्चों फॉलो होगा, यहां भी HCl को रिलीज कर देना। ऊपर वाले में क्या होगा, HPCl3 में, यहां से बच्चों बनेगा HPOCl, ये इंपॉर्टेंट है नहीं है, प्लस आपका HCl, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है क्या, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें इक्विलिब्रियम में आपको देखने को मिलता है HPCl3 का हाइड्रोलिसिस, एंटीमनी और बिस्मथ, इन दोनों के अगर आप हैलाइड्स का ट्राइहैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस कराते हो तो उस केस में आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्यों, क्योंकि बच्चों वहां पे क्या होता है कि आपका जो वीक एसिड का नेचर है, भाई बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है ना टॉप टू बॉटम जाने पे मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से आपका वहां पे एसिड नेचर आपका डिक्रीज करता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट मिलते हैं, जिसकी वजह से बेटा क्या होगा वहां पे आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन less than 100%, तो वहां पे एग्जिस्ट करेगा बेटा इक्विलिब्रियम। तो एंटीमनी बिस्मथ दोनों के अंदर इक्विलिब्रियम बेटा करता है एग्जिस्ट, रिएक्शन हमेशा बेटा फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में आपकी मूव करती रहेगी। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक, सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया है, सभी क्लियर हुआ है? यस, अभी एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे बच्चों नाइट्रोजन की बात कर रहे थे क्लोरीन, उस बच्चे बोल रहे होंगे कि सर क्लोरीन का आपने यहां मैकेनिज्म नहीं बताया, ठीक है, तो देखो बता देता हूं, बहुत ही आसान है, ऐसा कोई डिफिकल्ट है नहीं। इसके सामने मैं लेके आया बच्चों वाटर मॉलिक्यूल एच और OH, तो क्या होगा, इजी ट्रिक बताता हूं, इजी ट्रिक ध्यान रखो यहां से, बहुत ही आराम से, यहां से आपको एक HOCl मिल रहा है, बताओ बच्चों ध्यान से बताओ यहां से क्या मिल रहा है, पहला प्रोडक्ट आपको दिख रहा है ना, एक HOCl, तो यहां से फटाफट से बाहर निकाल दो, बाकी बच्चों यहां से क्या मिलेगा, बाकी इसको इसके साथ जोड़ दो, तो यहां से क्या मिल जाएगा, ये मिल गया Cl2NH, अरे मिला कि नहीं मिला, Cl2NH, पहली बात समझ में आ रही है। फिर बच्चों इसका हाइड्रोलिसिस, फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस होगा, और फर्दर बेटा हाइड्रोलिसिस होगा तो यहां से रिलीज कर देगा बच्चों आपका 2 moles ऑफ HOCl, ठीक है, फिर से एक HOCl, तो 2 moles ऑफ HOCl, और प्लस बच्चों बन जाएगी यहां से आपकी अमोनिया गैस। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, भाई एक HCl बेटा एक HCl बना रहेगा ना, मेरी बात समझ में, यहां से देखो ये तो समझ रहे हो ना, ये वाला पॉइंट, यहां से 2 water molecule ले लेना, एक तो वाटर मॉलिक्यूल लिया पहले फेज में, आपको मैंने बता दिया पहले फेज में क्या बच्चों बन गया HOCl 1 mole, Cl2NH बन गया, फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल लेके आना, फिर से वाटर, तो बेटा बनेगा Cl(NH2) बनेगा ना, बताओ जल्दी से, फिर से वाटर मॉलिक्यूल लेके आ जाना, तो बच्चों क्या होगा, वो भी HCl, वो भी Cl बच्चों बाहर निकल जाएगा HOCl की फॉर्म में,
और क्या बन जाएगा यहाँ से बच्चों बन जाएगा अमोनिया गैस। ये समझ में आया, बहुत ही इजी स्टेप थी, इजी प्रोसेस से मैंने आपको बता दिया। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को बता दो, इसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और ले रहा हूँ, लेक्चर को फिनिश कर रहा हूँ। यहाँ देखो बच्चों, फॉस्फोरस के साथ तीन क्लोरीन है, और यहाँ पे अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल से लेके आता हूँ तो क्या सीन होगा? तो यहाँ से बेटा वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज होगा एच प्लस एन, कोई बेटा यहाँ पे HCl, ये वाला मेरा मैग्नीशियम तो पहले बताया था, मैं इजी ट्रिक बता रहा हूँ अभी सिर्फ, मैग्नीशियम पहले हो चुका है। तो बच्चों यहाँ से मिलेगा Cl2PoH, यही तो मिलेगा ना Cl2PoH, और प्लस बच्चों यहाँ से एक HCl रिलीज हो गया। फिर से बेटा वाटर मॉलिक्यूल आएगा यहाँ पे इसके साथ, तो फिर से बच्चे दो HCl रिलीज कर, भाई दो Cl है ना, दो HCl फिर से रिलीज हो जाएंगे, और बच्चों ये बन जाएगा POH3। समझ में आया कि नहीं आया? POH3 प्लस आपके 3 HCl मॉलिक्यूल्स हो गए रिलीज। तो दोनों का हाइड्रोलिसिस क्लियर हो गया। कल बच्चों हम लोग बात करेंगे पेंटाहैलाइड्स के बारे में और एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ाई करो, और कोई डाउट्स वगैरह उनको पूछते हो। थैंक यू।